आज से तुम अपने लिए कुछ नहीं कर पाई हो। हाँ, तुम अपनी बहन के लिए क्या करोगी? पा, अपने लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाई, लेकिन अपनी बहन के लिए अपने कदम जमा के खड़ी हूँ। मैं उसके साथ ये जुल्म नहीं होने दूंगी और इस चीज के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसे नेक बनने का शौक है, वो आजकल बहुत नेक बनी घूम रही है, वो नेक बनी रहे। छोड़ो उस नेक बेबी को, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। उसका शौहर कितना लालची है, उसको अपने साथ मिला लो। क्यों? आता पैसा किसको बुरा लगता है? मैं इतनी परेशान हो रही थी, इतना फोन किया है मैंने, तुम फोन नहीं उठा रहे थे। क्या कहा डॉक्टर ने बताओ? बच्चों तुम अंदर जाओ, भाभी मैं भी बताती हूँ, तुम जाओ। सब ठीक तो है? अरे बच्चा बताओ क्या हुआ है? मैं बताती, परेशानी की बात तो नहीं? भाभी सब खैरियत है। तो फोन क्यों नहीं रहे हो? झिझक रहे हैं। किस बात पे? मुबारक हो आप दादी बंटी भाई। हाँ जी, मुबारकबाद नहीं देंगी? आओ पा, आओ। लेकिन आए, अच्छा आए तो सही ना, आके बात चले। चाची अम्मा को सब बता दिया, अब बात करूं मैं अम्मा से, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब अम्मा ने मुझे ये सब बताया था ना, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था ये सब। मैं समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा यार, मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं रिया कैसे करूं, मैं खुश हूँ या फिर परेशान हूँ, क्योंकि लेकिन सब खुश है तो हमें भी खुश होना चाहिए ना इस बात पे, है ना? पाप बनने की क्या फीलिंग होती है मुझे क्या पता। तुम ये सब सोच रहे हो फाकर, तुम मेरा भी तो सोचो, मैं कितनी परेशान हूँ। क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें पता नहीं है मैं क्यों परेशान हूँ? मेरी पढ़ाई फाखर, इतनी मुश्किल से तो मुझसे सब हैंडल हो रहा था, इतनी मुश्किल से मैंने एक रूटीन बनाई थी कि मैं घर के भी काम कर रही थी, पढ़ाई भी कर रही थी, इतनी मुश्किल से सब माने थे, और अब मैं क्या करूँगी फाखर, अब मैं ये सब सही सही सही, तुम परेशान क्यों हो रही हो? अभी छोड़ो ना, ये थोड़े दिन की तो बात है, फिर सही हो जाएगा सब कुछ, अभी सही से रहो। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल छोटी सी बात है, लेकिन मेरे लिए नहीं, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है फाखर। बच्चे की जिम्मेदारी एक इंसान की जिम्मेदारी, उसको संभालना। मैं तो खुद एक बच्ची हूँ, मुझे सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं क्या कर रही हूँ। तुम क्यों परेशान हो रही हो? अभी वैसे तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम क्यों अपनी तबीयत मजीद बर्बाद करी? तुम्हारी अम्मी है ना, वो बेबी को देख लेंगी, और बाकी सारी जिम्मेदारियाँ मेरी अम्मा संभाल लेंगी, कोई मसले की बात ही नहीं इंशाल्लाह। ये सब ना बोलना बहुत आसान है, जबान से बिल्कुल आसानी से निकल जाता है, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ वक्त के बाद ना सारे हालात बदल जाएंगे। आगे की सोच रही हो? अभी तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो ना, देखो तुम्हें मैंने शुरू से हर चीज़ में सपोर्ट किया, मैं इसमें भी कर दूंगा तुम्हें। ता अस्सलाम वालेकुम। फिकर टेंशन हो रही है, मुझे भी बड़ी परेशानी हो रही है थोड़ी सी। क्या ढूंढ रहे हैं? यार वो जहीर भाई ने गिफ्ट दिया था, एक परफ्यूम था बड़ा महंगा सा। रुके हम देते, हमने अंदर रख दिया था, पता तो है आपको बच्चों का, बस कोई चीज मिली नहीं, छिड़क छिड़क के खत्म कर देते थे। अरे वाह। अच्छा वैसे आप जा कर रहे इतने तैयार होके और ये महंगा वाला परफ्यूम लगा के? यार वो एक दोस्त के साथ जा रहा हूँ, रख दो अंदर। हाँ जरा काम के सिलसिले में जाना है। लेकिन आपकी तो समीना भाभी से बात हो गई थी, फिर किस सिलसिले में जा रहे हैं? देखो समीना भाभी से बात तो हुई है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई जवाब तो नहीं दिया ना, कल को मना कर देंगी तो मैं क्या करूंगा? उनके आसरे पे खाली हाथ तो नहीं बैठ सकता ना, बैकअप प्लान बनाना चाहिए मुझे। हाँ ये तो आप ठीक कह रहे हैं चनिन, आप बस दुआ करो एक काम हो जाए। हाँ अच्छा देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। ठीक है ठीक है, खाना घर पे खाएंगे हाँ वापस आके। चलें ठीक है। एनी तबीयत ठीक है? प्रेमी आप? अरे नहीं, लेट ही रहो ना आराम से। नहीं वो मैं
वापस भी उठ ही रहे थे, तबीयत खराब हो गई थी तो वापस लेट के मैं उठ के सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ। अरे नहीं, नाश्ता नहीं बनाना, आयशा बना लेगी नाश्ता, तुम आराम करो। कितने अरसे के बाद हमारे घर खुशी आई है। मैं सोच रही थी आज तुम्हारे बड़े अबू हमारे साथ होते तो कितना खुश होते हैं। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, अच्छा यानी अब मैं जो तुम्हें समझाऊंगी ना, तुमने उस पर अमल भी करना है, उसे याद भी रखना, कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, ठीक है? देखो पढ़ाई, घर के काम, ये सारा कुछ चलता रहता है, हाँ? लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है ना, वो ये है कि तुम अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल करो। इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, समझ रही है मेरी बात? अपने खाने का ख्याल करो, अपनी नींद का ख्याल करो, अपने आराम का ख्याल करो। बहुत जरूरी है कि डॉक्टर के पास तुम बाकायदगी से जाओ, ठीक है? फाखिर लेकर जाएगा ना तुम्हें? फाखिर नहीं है तो मैं हूं, आयशा है, लेकिन डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जरूर जाना है, ठीक है? और तुम्हारा जो भी दिन चाहे ना खाने को, और जिस वक्त भी दिन चाहे, तुमने फाखिर को बोलना है, चाहे रात के 2 बजे हो, वो लेकर आएगा, ठीक है? हाँ, जिंदगी चलती रहती है, उसके काम भी चलते रहते हैं, कुछ नहीं रुकता, लेकिन तुम्हारे लिए जरूरी है कि इस वक्त तुम अपना बहुत ख्याल रखो। मैं फाखिर से कहूंगी फ्रूट ले आएगा, फल तुमने खाने हैं, अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखना है, दूध पीना है, आराम करना है, खुश रहना है, उदास बिल्कुल नहीं होना। और कोई भी मसला हो, फाखिर है, मैं हूँ, तुम्हारी माँ है, हम सब हैं तुम्हारे पास, तुमने फौरन हमें बताना है, ठीक है ना? और बड़ी अम्मी, अगर किसी दिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई घर के काम करने की तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा भैया। अरे नहीं दिल चाह रहा तो मत करो, आराम करो। और सारे डॉक्टर यही कहते हैं कि एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, तो ये घर के काम जो है ना, ये तुम्हारी मदद करेंगे इसमें, हाँ? लेकिन थकना नहीं है, जब थको तो आराम कर लो। देखो जब तुम एक्टिव रहोगी ना, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारे बच्चे के लिए अच्छा है। और डॉक्टर तो ये कहते हैं कि अगर आप घर के काम करें जैसे आप करते हो रोज़ाना, एक्टिव रहो, तो जब डिलीवरी होती है ना, तो उसमें भी आसानी हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सारा दिन ही काम करती रहो, अपने आराम का भी ख्याल रखो। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? मानोगी मेरी बात? अच्छा मैं तुम्हारे लिए यखनी बनवाती हूँ, हाँ? तुमने पीनी है, ख़त्म करनी है, मैं चेक करूँगी, ठीक है? चलो लेट जाओ, लेट जाओ सर। समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, मुझे नहीं लगता भाभी मुझे भौंका देंगी, और अगर उनके आश्रय पे बैठा रहा ना तो मैं घर में ही बैठा रह जाऊंगा। क्या मेरी अजीब ये किस्मत है, पूरी जिंदगी मैंने जिस वक्त का इंतजार किया कि ये कारोबार मेरे हाथ में आ जाए, जैसे ही वो वक्त करीब आया सब कुछ बदल गया, सब मेरे हाथ से निकल गया। और वो जमशेद, उसे मैं लेकर आया था इस कारोबार में, वो इस बिजनेस का पार्टनर है, वो अगर चाहे तो मुझे जॉब पे रख सकता है वो, लेकिन नहीं, मजे से पैसे कमा रहा है। क्या हो गया, मुस्कुरा किस लिए रही हो? मैंने तुम्हें कोई लतीफा सुनाया है? भाभी ने मुझे बेदखल कर दिया कारोबार से, तुम मुस्कुरा रही हो, ये मुस्कुराने वाली बात है क्या? मैं उस बात पे नहीं मुस्कुरा रही हूँ, मैं तो आपको देख रही हूँ, एकदम
यंग लगते हैं आप, बाल भी काले हैं, पेट भी अंदर है, ये देख रही थी। क्या हो गया है, क्या हो गया है? काले बाल पेट अंदर क्या मतलब? सब हबीब, नाना कहीं से लगते नहीं है ना। हाँ तो मैं हूँ। नाना कौन, क्या मतलब नाना? और तो किसी ने बताना नहीं था आपको, तो सोचा मैं ही बता दूं। नाना बनने वाले हैं भाई। आपसे बात कर रही हूं, सुन रहे हैं? क्या हुआ हबीब? आपसे बात कर रही हूं हबीब। हाय ना, इधर आई। मुझे किसी ने बताया ना? इधर 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 बैठे की क्या बात है अभी? मैं अच्छा बुरा जैसे भी हूं, मगर मैं बाप हूं। मुझे किसी ने बताया नहीं कि मैं नाना बनने वाला हूं। मुझे किसी ने बताया नहीं, मेरी कोई इन लोगों की नजर में मेरी कोई हैसियत नहीं है। मुझे किसी ने बताया नहीं। अरे वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, कैसे हो? ठीक हो? मैं ठीक आंटी, वो फाखर को भेज दें। हाँ मैं भेजती हूँ, अंदर तो आओ, मुँह मीठा कराऊँ तुम्हारा। मिठाई पर किस खुशी में आंटी? अरे तुम्हें नहीं पता तुम्हारा। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, क्या हो गया? अहमद तू वहाँ पे जाके बैठ भाई, मैं आ रहा हूँ, बस जूते पहन के जा भाई, जा। क्या कर रही थी आप ये? क्या कर रही थी? मैं तो सब खुशखबरी सुना रही थी। नहीं खुशखबरी तो नहीं सुनानी इन लोगों को, अब तो ये उम्र थोड़ी इन लोग की, नहीं समझेंगे मेरी बात, उल्टा मजाक उड़ाएंगे मेरा। चाची हम सारे स्टूडेंट्स हैं अभी, सही है? और ये लोग ना घर में लाडले और शहजादे कहलाए जाते हैं, और मैं यहाँ खुद घर में जो है एक लाडला। बात हो गई यार। फाखर ऐसे कैसे, खुशी की खबर है, तुम्हें तो फख्र होना चाहिए। लोग खुशियाँ मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं एक दूसरे को, एक खबर सुनाते हुए। बड़े होते हैं, मेरी उम्र के थोड़ी होते हैं। चाची ये खुशखबरी आपके लिए बहुत बड़ी है, लेकिन मैं अगर इन लोगों को बताऊंगा ये लोग रिकॉर्ड लगाएंगे मेरा। प्लीज थोड़े दिन के लिए प्लीज खुशखबरी जो है किसी भी से मत शेयर करें प्लीज। आखिर कब तक नहीं बताएंगे, कब तक छुपाएंगे बताओ? एक ना एक दिन तो नन्ही सी जान को इस दुनिया में आना है ना, जो जो तुम्हें बाप कहेगी, तुम्हें अब्बा कहेगी। बात के बाद में देखी जाए, अभी तो चले हैं, चल हाँ बात करते हैं इस बारे में। आंटी मिठाई किस खुशी में खिला रही थी, और तूने उनके बात ही नहीं पूरे होने दी। वैसे एक बात बता, तू बाप तो नहीं बनने वाला? ऐसी कोई बात नहीं है, वो भूख लग रही यार, कुछ खाने चलते ना। यार तू बड़ा कंजूस है, अच्छी खासी आंटी मिठाई खिला रही थी, खिलाने दे। वैसे एक बात बता,
मुझे ऐसा लग रहा है जैसा तुझे छुपा रहा है मुझसे। छुरी छुपा रहा है यार, क्यों लग रहा है तुझे ऐसा? क्योंकि आंटी मुझे कुछ बता रही थी और तूने फौरन आते साथ ही रोक दिया, और तू परेशान भी था, कोई तो बात है? नहीं है यार कोई बात नहीं, वो बस एनी है ना, उसका एडमिशन हो गया है कॉलेज में, उसकी बड़ा खुश है चाची। वो बाहर जो आंटी आई थी वो चाची है मेरी, आयशा चाची, वो खुश है कि उनकी बेटी आगे शादी की बात पढ़ी है, इसलिए। अच्छा चलो फिर सही है, लेकिन तू इतना घबरा क्यों रहा है? मैंने जस्टिफिकेशन थोड़ी ना मांगी है तुझसे, लेकिन मैं समझ गया तेरी बात। वैसे वो लड़की होके शादी के बाद पढ़ने जा रही है और तू लड़का होके शादी के बाद लड़का ही हो गया यार, इसलिए छुपा रहा था ना उसे ये बात। बातें करने की जरूरत, अल्लाह तेरा शुक्र है, हमें तो बहुत खुशी है ये खबर सुनकर। इतने अरसे से इस घर में सोग ही सोग था, पहले जहीन भाई चले गए, फिर अम्मा चली गई, घर में लोग ही ख़त्म हो गए थे, लेकिन अब इस घर में खुशखबरी आने वाली है, नन्ना मेहमान आ रहा है। सही कह रही हैं आप, बस मेरे इन बच्चों की खुशी वो किसी की नज़र ना लगे। आमी देखो आयशा, अब तुम्हें बहुत जिम्मेदारी से काम लेना होगा, एनी अभी बच्ची है, छोटी है, उसे इन बातों की समझ नहीं है, अब सब तुम्हें समझाना है, उसे सब सिखाना है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे संभालेगी खुद को, बच्चे को। इसलिए कहते हैं कि छोटी उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए, पता नहीं। हम मानते हैं कि एनी बहुत छोटी उम्र में मां बनने जा रही, उसके लिए ये सब आसान नहीं होगा, लेकिन अब क्या कर सकती है ईशा, एनी को अपनी उम्र से बड़ा बनना पड़ेगा। और तुम वो ना, हम हैं, हम भी तो छोटी थी, सब आ गया था ना, इंशाल्लाह सब आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, समझ रही हूँ। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, अरे खुशियाँ आ रही हैं घर में, कितना मज़ा आएगा। चल बस रोना धोना बंद और मुंह मीठा, ये और वो समीना भाभी सज धज के ऑफिस चली जाती हैं, वहाँ चाय कॉफ़ी करती हैं, नौकरों पे हुकुम चलाती हैं, और तुम दोनों यहाँ बैठ के ढेरों मनो काम करती हो। अपनी हैसियत को समझो, अपने आप पे नहीं तो अपनी बेटी पे तो रहम करो। अभी भी वक्त है, समझ जाओ, अपनी हैसियत बनाओ इस घर में, वरना सारी जिंदगी एनी खाने बनाती रहेगी और तुम पर्दे धोती रहोगी। जी ये अच्छा, ये तो डेट सर पर खड़ी है, ये ऑर्डर कैसे खत्म होगा? कितना फाखर कहाँ है? पता नहीं। जी अम्मा, कहाँ हो तुम? मैं अहमद के साथ बैठा हूँ। तुम्हारा काम में ध्यान बिल्कुल नहीं है, कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं है तुम्हें, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, फौरन पहुँचो यहाँ पे। अम्मा मैं अहमद को बेचारे को हॉस्पिटल लेके आया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी इसलिए। उसके घर वाले होंगे ना उसका ख्याल करने के लिए, सिर्फ तुम तो नहीं हो ना? तुम यहाँ पहुँचो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, ये बहाने नहीं चलेंगे, समझ रहे हो? अम्मा मैं सीधा उधर ही आ रहा था, ऑफिस ही आ रहा था, उसको बेचारे को चले मैं अभी घर छोड़ के आता हूँ, बस आ रहा हूँ।
क्या हुआ, सब खैरियत है ना? ऊपर निकलना पड़ेगा, ऊपर जा, काले जाएगा सब कर लियो। तो ये तो साथ में लेके जा, काले को दिख। आ जाओ, ज्यादा नहीं बैठेंगे, जल्दी चले जाएंगे घर। यहाँ तो कोई भी नहीं है, तुम बैठो, मैं ज़रा साइका पर से मिल के आती हूँ। अम्मी प्लीज़ जल्दी आइएगा, मुझे यहाँ बहुत बोरियत होती है। हाँ हाँ जल्दी चले जाएंगे, कह रही ना आती हूँ, बैठो। तुम अब तक काम कर रही हो? हेमंत तुम आ गई? फैमी पापा आया? हाँ, खाला के पास गई, उन्हें कुछ काम था। तुम नहीं बोली सायका पापा से? मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ किसी से मिलने का। खैर तुम बताओ क्या चल रहा है? श्लीम बस ये सब। वैसे तुम अजीब लग रहा होगा ना, मतलब अब तो तुम भी अम्मा बनने वाली हो, बच्चों के डायपर चेंज करोगी, फीडर बनाओगी, कपड़े बदलोगी, बच्चों को संभालोगी। तुम्हारी ज़िंदगी का तो अब यही मकसद होगा ना। तुम्हारी पढ़ाई वाली ख्वाहिश तो अब ख़त्म हो गई होगी, इंजीनियर बनने की ख्वाहिश बच्चे संभालने में बदल गई होगी। तुम्हारी किताबें हिसाब किताब में काम आ जाएंगी और बच्चों की फीडर की टाइमिंग। सॉरी यार, लेकिन मुझे ना सोच के ऐसी आ रही है, क्या सोचा था, क्या हो गया। अच्छा सुनो, ये ज़रा मुझे समझाओ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। देखो ज़रा क्या ही है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, ऐसे कैसे चलेगा? हमें सीखना पड़ेगा ना, ये हम किसी के मोहताज तो नहीं हो सकते इस तरह। वहाँ हर बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस हो गया, अकाउंट्स हो गया, सारी चीज़ें उनको संभालने के लिए लोग होते हैं ना। अब हम हर चीज़ थोड़ी देख सकते हैं। तो फिर तुम क्या कह रहे हो, क्या करें? मैं बात करना चाह रहा था आपसे बहुत दिनों से। एक क्या, मैं इस बिजनेस के बारे में सबसे ज्यादा मालूमात बाबा को थी, उसके बाद चाचू को। हाँ तो इसीलिए बाबा ने जो है वो चाचू को अपने साथ रखा ना थ्रू आउट बिजनेस में। अब उनको हर चीज के बारे में पता है, हम मालिक तो बिल्कुल ठीक, लेकिन हफे अलग बेबे भी नहीं पता इस बिजनेस के बारे में। मकसद क्या तुम्हारा ये सब कहने का? वो मेरा बस मेरा मानना ही है, पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं चाचू को आपसे ले आना चाहिए ना बिजनेस को। उनको सब चीज़ों का इल्म है, पता है सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। तुम क्या कह रहे हो, दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम्हें पता है अभी को मैंने यहाँ से निकाला है, उसे कितना बड़ा धोखा किया हमारे साथ। तुम्हें तुम्हें क्या लगता है वो वापस आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा, वो ठीक हो जाएगा हमारे साथ? वो हमें नुकसान देगा, फायदा कहाँ से देगा? क्यों पुरानी बातों के बारे में सोच रही हैं? हाँ भूल जाए उन सब चीज़ों को, आप कल हो गया तो पर भाई उनसे हमारा फायदा ही होगा ना उल्टा। हमसे बड़े समझ रही हैं सारी चीज़ें, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं हम। वो आएंगे, देखेंगे, हमें सब चीज़ों का कंट्रोल देंगे। और जहाँ तक बात रहती है इन सारी चीज़ों की, हम उन पर नज़र रखेंगे ना, वो जो भी सोचते हैं हमें क्या उस चीज़ से। अम्मा कारोबारी बनकर इस बारी हमें सोचना पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहती हैं कि इस बिजनेस को ताला लगे तो चाचू को वापसी बुलाना पड़ेगा, यही एक रास्ता हमारे पास। चाचू ही वो एक रास्ता है हमारे पास, उसके अलावा क्या है? फराज पप्पा, हाँ ठीक है उनको बिजनेस के बारे में सारी मालूमात है, वो भी सब चीज़ें देख सकते हैं, कारोबारी इंसान हैं, लेकिन क्या चाचू हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है?
और जहाँ तक बात रहती है मालिक की, तो सीट, ये सारे प्रॉफिट्स, नुकसान और सैलरीज वगैरह, इन सब पे क्या हमारे साइन होने ना, तो वो तो हम चीज़ें देख ही लेंगे बाद में। बाकी आपकी मर्जी है, बात देखिए। बच्चा, किसने कहा इतने सारे काम एक साथ करने को? है बेटी, वो खुश नहीं हुआ, वो खुश नहीं हुआ, बस वो चक्कर आ गए थे। अच्छा, ये सारे काम भी तो करने ही है ना? मैं कर लूंगी, पियो। जी समीना भाभी। हाँ हेलो। आयशा क्या कर रही हो तुम? किचन मसाले पीस रही हूँ भाभी। मसाले क्यों पीस रही हो? ये काम मैंने से कहो ना। भाभी उसकी तबीयत खराब हो गई, चक्कर आ गए, उसको आराम करने के लिए कहा है। अरे इतने काम पड़े हैं। वो सुनो, वो पर्दे जो धोने हैं ना पूरे घर के, मशीन लगाओ, पर्दे धो लो, मौसम देखो कैसा है, ये पर्दे ना सूखेंगे नहीं। मगर भाभी वो सालन, एनी को बोलो ना, मैं उसको बता के आई थी कि क्या पकाना है। और वो रोटियां, सुनो मैं भूल गई थी, वो चावलों का कह देना, चावल उबाल लो। हाँ भाभी ठीक है, इतने काम पड़े, ये कैसे होंगे खत्म? हेलो हाँ चाहे वो कर लूंगी मैं, फिर समझदारी भी तो मेरी ही है। और काम क्या है मेरा इस घर में? आलिया, कब से आवाजें दे रही हूँ, सर दर्द से फटा जा रहा है, चाय कोई देगा बुढ़िया को? मगरिब होने को आई है आलिया। ओली चाय बनाओ जल्दी। अम्मा असल में मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। हेलो, तुम्हारी तबीयत कभी ठीक भी रहती है? हैं, बहाना है बस ये काम ना करने का, चाय बनाओ। अम्मा मैं बहाना नहीं कर रही हूँ, सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने तो जमशेद से भी कॉल करके कह दिया कि मुझे अस्पताल लेके चले। इतनी सी बात के लिए जमशेद को बुला लिया घर? क्या हो गया, क्या हुआ लिया? जमशेद मैं अम्मा से ये कह रही हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे मुझसे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा। जमशेद सब ड्रामे हैं, ये ड्रामे, काम ना करने के लिए कुछ भी बहाना बना लेती है। अम्मा क्यों ड्रामा करेगी, उसकी शक्ल देखे, शक्ल से लग रहा है बीमार है वो। तो तुम चलो मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ। चाय तो बना के चली जाए, ले जाओ पहले। अरे अम्मा आके बना देगी, मैं बना दूंगा आपको चाय, आपको किसी की सेहत की फिक्र नहीं है। चले यार, मेरी तबीयत खराब होती है तो कभी नहीं आता दफ्तर से, अभी कैसे दौड़ा चला आया है। मैंने कुछ खाया भी नहीं है सुबह से, कुछ खा तो लेती है यार। सुबह से दोपहर हो गई, पर्दे नहीं धुले तुम्हारे अभी तक। हाँ लोग ऑफिस गए, छुट्टी लेकर घर पर आकर आराम कर रहे हैं, और तुम्हारी नौकरी खत्म नहीं हो रही। छुट्टी कब होती है वैसे तुम्हारी? तुम्हारे हंसने और मजाक उड़ाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ये काम तो शुरू से करती आई हूं। दो जोड़ी कपड़ा, दो रोटी, असर पे छत, बस यही मेरी किस्मत। तो तुम अपनी किस्मत की खुद जिम्मेदार हो मेरी जान।
समीना भाभी और तुम्हारी हैसियत में कोई फर्क नहीं है, दोनों बहुओं इस घर की एक ही जैसी हैसियत है ना दोनों की। लेकिन तुमने जी समीना भाभी, हाँ समीना भाभी, हर बात पे हामी भर भर के उनको सर पे बिठा लिया, हाँ, और खुद को इतना नीचे गिरा लिया कि कोई हैसियत ही नहीं रही तुम्हारी। चलो तुमने अपने साथ जो किया वो तो किया, अपनी बेटी के साथ भी वही कर रही हो। वो प्रेग्नेंट है आयशा, और 10 लोगों का काम अकेले करती है, मतलब तुम उसके लिए आवाज उठाने के बजाय कभी कभी सफाई कर देती हो उसके लिए, कभी कभी खाना बना देती हो, और अगर उस बच्ची ने कुछ बोला तो उसको चुपचाप समझा के बोल दिया कि खामोश रहो। कब तक चलता रहेगा ऐसा, हाँ कभी सोचा है? हर्षा, जब से मैं इस घर में आई हूं ना, मैंने सिर्फ तुम माँ बेटियों को नौकरानी बने हुए ही देखा है, और वो समीना भाभी सजदज के ऑफिस चली जाती हैं, वहाँ चाय कॉफी करती हैं, नौकरों पे हुकुम चलाती हैं, और तुम दोनों यहाँ बैठ के ढेरों मनो काम करती हो। अपनी हैसियत को समझो, अपने आप पे नहीं तो अपनी बेटी पे तो रहम करो। अभी भी वक्त है, समझ जाओ, अपनी हैसियत बनाओ इस घर में, वरना सारी जिंदगी एनी खाने बनाती रहेगी और तुम पर्दे धोती रहोगी। फराज साहब कमरे चलने दे। चनारे शासिया कौन है? These sari mis calls? भाभी, मैं जानता हूँ कारोबार करना आसान नहीं है, वरना सभी कारोबार कर रहे होते, कोई भी नौकरी नहीं कर रहा होता। और भाई साहब ने इस कारोबार को जर्रा जर्रा करके बनाया था, मैं इसे बिखरते हुए देख नहीं सकता। ठीक कह रहे हो, मैं भी सीख रही हूँ सिफर से, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने तजर्बे से कारोबार को आगे बढ़ाओ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तो जहीर की मदद किया करते थे। भाभी, मेरे ख्याल में तो घर की औरतों को घर में ही रहना चाहिए, और जहाँ तक फाखिर की बात है, उसके अभी खेलने कूदने के दिन हैं। मैं तो कह रहा हूँ आप लोग आराम से घर पे बैठे, मैं सब संभाल लूंगा। वैसे फाखिर के खेलने कूदने के दिन तो उसी दिन खत्म हो गए थे जिस दिन तुमने और जहीर उसकी शादी का फैसला किया था, और अब तो कुछ नहीं हो सकता, फैसला हो चुका है। फाखिर बच्चा होते हुए भी अब बच्चा नहीं ना, कि कंधों पे ये जिम्मेदारी आ गई, उसे ही संभालना होगा। ये भाभी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। तुम तो संभाल ही लोगे, लेकिन कब तक ये बोझ उठाओगे? ये बोझ फाखिर का है और उसी को उठाना होगा। आप समझ नहीं रही हैं मेरी बात, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी उसको पढ़ना चाहिए, कारोबार नहीं करना चाहिए, अभी वो बच्चा है, कच्चा दिमाग है उसका, बड़े फैसले ले नहीं सकता। नादानी में अगर कोई गलत फैसला ले लिया तो उससे हमारे कारोबार को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक कह रहे हो तुम,
मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तजुर्बा हासिल नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? ना समझ रहेगा, नादान रहेगा, और मैं जानती हूँ तुम ये नहीं चाहते, है ना? 100 बातों की एक बात है, आखिर का बाप नहीं रहा, ये कारोबार अब उसकी जिम्मेदारी है, उसे खो संभालनी होगी। जी मैं समझ रहा हूँ। तुमसे बस इतनी गुजारिश है, इल्तजा है कि तुम खावर साहब के साथ मिलकर ज़रा चीज़ों को मॉनिटर करो, चीज़ों को संभाल लो, मदद करो, और मैं और फ़ख़्र तुम्हें। भाभी आप सीधे सीधे कह दीजिए ना कि आप मुझे मुलाजमत पर रखना चाहती हैं, मैनेजर की पोस्ट पर। सीधे सीधे तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि तुम बेरोजगार हो गए थे, कोई नौकरी नहीं थी तुम्हारे पास, तुम ज़हीर के भाई हो तो तुम्हारी मदद करना हमारा फ़र्ज़ है, और वो हम करेंगे। तुम फ़ख़्र के चाचा हो तो उसकी मदद कर सकते हो इस कारोबार को संभालने में, समझने में, आगे बढ़ाने में। इससे ज़्यादा तो हम तुमसे कुछ मांग भी नहीं रहे। शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझ लिया कि मैं फ़ख़्र को कुछ सिखा सकता हूँ। बहुत कुछ सिखा सकता हूँ। खावर साहब के साथ जाके ज़रा देखो तो सही, नए ऑर्डर्स कौन से आए हैं, ये तफसील ज़रा मुझे दे दो। जी ठीक है बाबा। हाजिर को तो मैं ऐसा कारोबार सिखाऊंगा कि वो खुद ही इस कारोबार से अलग हो जाएगा। आ गए तुम? और तुम्हें क्या हुआ? थकी हूँ यार बहुत, कल रेस्ट करूँगा सुकून से। मैं शाम में अहमद के घर भी जाना है यार, पार्टी है उसकी तरफ। फाकन बड़ी अम्मी बहुत गुस्सा करेंगी। कोई गुस्सा वस्सा नहीं होंगी, मैंने बात कर ली है उनसे, कल ऑफिस से छुट्टी करूँगा मैं। मैं भी तुम्हारी तरह कह सकती हूँ कि कल मेरी किचन से छुट्टी है। तुम्हें छुट्टी चाहिए किचन से? हाँ यार, ये असाइनमेंट बनाना है मुझे जो मुझसे बन नहीं रहा, परसों सुबह सबमिट करवाना है मैंने, हक चाहिए मुझे जो मेरे पास है नहीं। तुम असाइनमेंट के लिए छुट्टी चाहिए? मुझे तुम्हें रेस्ट वेस्ट करना है। फाकिर मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरी चीज़ है ना, वो मेरी पढ़ाई है। कौन रोक रहा है तुम्हें पढ़ने से? कर लेना आराम से छुट्टी, क्या फर्क पड़ता है? किचन के तो मैंने सारे काम निपटा दिए, लेकिन फिर कोई सफाई या धुलाई का काम आ जाएगा। इतनी भी जालिम नहीं है मेरी अम्मा, जो तुम समझती हो, तेरा ख्याल करती हैं तुम्हारा। स्पेशली मुझसे फ्रूट्स मंगवाए उन्होंने तुम्हारे लिए, कहती है एनी के बराबर में रख देना, खाती रहेगी सुकून से। अभी बाहर डाइनिंग टेबल पे रख दिए तो पूरा घर खाएगा। अच्छा आप चुप हो जाओ, मुझे असाइनमेंट करना। लाइट में तो यार नींद आ रही है मुझे। यार तुम्हें ये करना आता है? बल्कि तुम्हें कहाँ आता होगा, बिल्कुल ही डफर हो तुम। लैपटॉप खोल लो अपना। आता है खोलना? सिखाया किसने? मैंने सिखाया था। मैं तुम्हें किसने सिखाई थी? मैंने सिखाई थी। सीखे तो अभी नहीं मेरे। कच्ची कच्ची टहनियों को आधी
था।